उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। 4:30 का टाइम है सुबह का। अदील का और अम्मी का नॉर्वे का टूर जो ख़त्म हो गया कि हम सारी फैमिली, जितने भी फैमिली के मेंबर हैं, सारे सऊदी अरब में जा रहे हैं उमरा के लिए। और इधर से हमें एक अभी बर्गन एयरपोर्ट पे हैं। थोड़ा सा कैमरा मैन दिखाया ज़रा बर्गन एयरपोर्ट। हाँ जी, बर्गन एयरपोर्ट पे है। इधर से हमारी 6:30 बजे एक लोकल फ्लाइट है, वो ओस्लो जाएगी, फिर ओस्लो से आगे जद्दा के लिए निकलना है हमने वाया एथेंस एयरलाइन। और ये बड़ा पुरसकून जो है ना एयरपोर्ट है। और इधर एक मज़े की बात मैं आपको दिखाता हूँ, सेल्फ चेक इन और बोर्डिंग वाला हिसाब। इधर आप आते हैं, आपको लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता। आप आते हैं, आप अपना PNR नंबर डालें, और आपको वो भी थोड़ा सा प्रोसेस करके दिखाऊंगा मैं। इस जगह पे जो है ना वो ड्रॉप करते हैं बैग, और आप सिक्योरिटी के थ्रू अंदर जा सकते हैं फिर। अच्छा, इधर सबसे पहले अपनी एयरलाइन को सिलेक्ट करना है, नॉर्वेजियन एयरलाइन, और उसके बाद बुकिंग। अभी इधर बुकिंग नंबर आपने डालना है। ये तीन बुकिंग थी, बर्गन से ओस्लो कंटिन्यू करो, और इधर से बोर्डिंग पास, ये एक बोर्डिंग पास, दूसरा, और ये तीसरा। ये टैग बैगों के लिए। इधर सारा काम अपना खुद ही करना पड़ता है। टैग शैग लग गए हैं, इसके बाद अभी सेल्फ सर्विस है ड्रॉप करने की। इधर आ गए हैं जी। सेल्फ सर्विस है, इधर से स्कैन करो ये बैग, खुद ही आगे चला जाएगा। आगे बैग रखो, इसको भी स्कैन करो, ये भी आगे चला जाएगा। अभी बस अंदर जाने लगे हैं सिक्योरिटी से। हाँ जी अदील साहब, की निजाम है? हाँ जी, अभी ओस्लो एयरपोर्ट पे आए हैं, और काफ़ी मसला हो गया था, वैक्सीन वगैरह इन्होंने मांगी थी। कोरोना की वैक्सीन तो मेरे पास थी, लेकिन एक पोलियो की वैक्सीन इन्होंने नया ड्रामा शुरू किया है, वो अरेंज की जल्दी जल्दी। उसके बाद अभी वेट कर रहे हैं प्लेन का, थोड़ा लेट है, और अभी आगे का सफ़र जो है ना स्टार्ट करते हैं। ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ? Θυμίζουμε ότι με κάθε ενοικίαση οποιοδήποτε αυτοκινήτου προσφέρουμε έως και 1500 μηνύματα. हाँ जी, अभी 4 घंटे की फ्लाइट के बाद जो है ना अभी एथेंस एयरपोर्ट पे खड़े हैं। हवा चल रही है, मौसम बहुत अच्छा है। ये पीछे एथेंस का एयरपोर्ट है।
और इधर हमारा तकरीबन 6.5 घंटे इधर स्टे है और आगे फिर 4 घंटे की फ्लाइट है। थकावट काफ़ी हुई है लेकिन एक्साइटेड है कि चलो उमरा करने जाना है, मज़ा आएगा। अम्मी और अदील दूसरी साइड पे खड़े हैं, मैं ज़रा इधर आ गया था वैसे ही। अभी देखते हैं क्या सीन है, मौसम तो बहुत प्यारा है, ये सारा सिटी है। अलहमदिल्ला 7 घंटे के बाद फाइनली बोर्डिंग पास भी आते हैं, आराम पहन लिए हैं दोनों ने, आराम पहन लिए हैं और अम्मी ने बाया पहना है। और अभी इधर से 4 घंटे की फ़्लाइट है, काफ़ी थकावट हो गई है लेकिन अलहमदिल्ला खुशी है कि उमरा की सादत के लिए जा रहे हैं। अभी बस बोर्डिंग खुल गई है, बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी मक्के की तरफ का सफ़र शुरू हो गया, लाइन में लगे हैं हाजी सारे। ये हाजी साहब इधर खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जद्दा एयरपोर्ट पे उतर आए हैं। और मेरे पास टूरिस्ट वीज़ा था क्योंकि मेरे पास शेंजन का कार्ड है, इसलिए मैंने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया हुआ था। और अम्मी और अदील ने किया हुआ था उमरे का वीज़ा किया हुआ था, तो अभी वो रास्ते में है, सिक्योरिटी से निकल के अंदर आने लगे हैं। बस इधर से टैक्सी लेंगे और घर चले जाएंगे। काफ़ी लंबा सफ़र था, फिर से लग रहा होगा काफ़ी थकावट है। अभी टैक्सी लेके घर जाता हूँ, उसके बाद 4 घंटे बाद फिर दोबारा वापस आना है। घर वाले अभी आ रहे हैं, तीन लोग वो हैं, उनको फिर लेने आना है। तो मेरा ख्याल है अभी ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इंशाल्लाह आगे उमरे का व्लॉग भी आएगा, दूसरी वीडियोस भी आएंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़। या मरहबा।